हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं एक रेसिपी लेके आई हूँ जो है मूंग दाल का हलवा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने पहले ही 2 छोटी कटोरी मूंग की दाल को पानी में भिजा के रखा हुआ था और हमारी जो दाल है वो बिल्कुल भीग चुकी है। तो अब हम इसका पानी निकाल देंगे। पानी निकालने के बाद यहाँ पर मैं एक मिस्की का पॉट लूँगी और अपना जो दाल है इस मिस्की के पॉट में डाल के इसको दरदरा पीस लेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमें अपने दाल को पीस के रेडी करना है। उसके बाद हम एक कटोरी में 1 चम्मच बेसन और 1 चम्मच सूजी को मिक्स कर देंगे। बेसन और सूजी को डालने से जो हमारा हलवा है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो यहाँ पे मैं एक बड़ी कढ़ाई में 4 से 5 चम्मच देसी घी ले रही हूँ। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। जैसे ही घी गर्म होता है इसमें हम अपना बेसन और सूजी मिक्स करके 1 मिनट के लिए हिला लेंगे। हिलाने के बाद में हम अपना जो दाल का बैटर है वो उसमें थोड़ा थोड़ा ऐड करते इसको कंटिन्यू हिलाते जाएंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है दाल के हलवा में कि आपको इसको कंटिन्यू चलाते हुए ही भूनना है, क्योंकि दाल के हलवा में टाइम तो लगता ही है, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से सिझाएंगे नहीं तो ये दाल जो है अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो आप जितना हो चुके इसको कंटिन्यू चलाते हुए बनाइए, तभी आपका जो हलवा है बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। थोड़ी मेहनत तो लगती है लेकिन खाने में बहुत टेस्टी होती है। तो यहाँ देखिए घी थोड़ा सा निकल चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 छोटी कटोरी चीनी। चीनी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे इलायची का पाउडर और यहाँ पे थोड़े से बादाम। बादाम और इलायची डालने के बाद 2-3 मिनट के लिए इसको अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पे मैं नॉर्मल टेम्परेचर के छोटे ग्लास से 1 ग्लास दूध ले रही हूँ। दूध डालने के बाद इसको कंटिन्यू हिलाते हुए हमें बनाना है ताकि जो दूध है वो अच्छे से मिक्स हो जाए और पूरा हलवा में एब्जॉर्ब हो जाए। तो देखिए कितनी सिंपल रेसिपी है और बन के बिल्कुल तैयार है। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा।